तहसील क्षेत्र में वनोरा ग्राम की कक्षा पहले से छठवीं तक की पढ़ाई के लिए यहाँ पर महात्मा ज्योतिबा फुले उच्च प्राथमिक स्कूल साल 1989 से 90 से 100% सरकारी अनुदान पर चलाई जा रही थी। कुछ समय बाद यह संस्था संदीप शिक्षण संस्था द्वारा चलाई जाने लगी, पर 2 साल से कोरोना की वजह से स्कूल बंद थी। इस बीच स्कूल को पार्शनी स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी कर यहाँ के आदिवासी बच्चों को पढ़ाई से बेदखल कर यह स्कूल पार्शनी स्थानांतरण कर दिया, जिसका आदेश आने से यहाँ के बच्चों पर भारी मुसीबत आई है। यहाँ पर एक ही स्कूल होने से और वह भी पार्शनी सिपट होने से आखिरकार यहाँ के बच्चों की पढ़ाई बंद होने की नौबत आई है। यहाँ पर निजी निवास में स्कूल किराए के मकान में आज तक शुरू थी, पर मकान मालिक और स्कूल प्रशासन के बीच हुए करार का समय समाप्त होने से स्कूल नहीं चलाए जा सकने का अजीबोगरीब फैसला लेकर यहाँ के स्कूल पार्शनी शहर में स्थलांतरित की गई, जिससे वनेरा गांव में पढ़ने लिखने के लिए एक भी स्कूल नहीं होने से यहाँ के बच्चों को बाहर गांव भेजने की नौबत माता पिता पर आ गई। इसके चलते यहाँ के लोगों ने प्रहार संगठन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नेताओं से इस चीज की शिकायत की। मामला गंभीर होने से स्थानीय कार्यकर्ता नेताओं ने इस बारे में जानकारी ली और यहाँ के बच्चों के साथ नाइंसाफी होते देख प्रशासन में जवाब मांगा तथा यहाँ की स्कूल को तब तक स्थानांतरित नहीं किया जाए जब तक यहाँ पर उचित पढ़ाई की व्यवस्था नहीं की जाती। तब तक यहाँ की स्कूल को स्थानांतरित नहीं करने की मांग को लेकर पंचायत समिति कट शिक्षण अधिकारी कार्यालय के सामने मंगलवार की सुबह प्रहार संगठन जिलाध्यक्ष रमेश कारेमोरे, गणतंत्र पार्टी के जिलाध्यक्ष मड़ावी तथा कार्यकर्ताओं के साथ पीड़ित माता पिता इस समय बड़ी संख्या में विरोध करते नजर आए। अपनी मांग पूरी नहीं होती देख सभी ने वहां पर धरना देकर इसका विरोध किया। BCN न्यूज के लिए पार्शियन से रुपेश खंडारे की रिपोर्ट।